हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के बारे में देखा था। आज हम सेकंड फिनोमिना ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर, इट यूजुअली चेंजेस डायरेक्शन। द बेंडिंग ऑफ लाइट दैट ऑकर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ टू मटेरियल इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब कोई प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से चलकर दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह दूसरे समांगी माध्यम में भी सरल रेखा में गमन करती है। लेकिन यदि हम उसका मार्ग को बदल दें, अर्थात उसका विचलन हो जाए, तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश किरण के एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करने पर उसके मार्ग बदलने या विचलित होने की क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और सिंपल वे में अगर हम देखें तो प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इफ रे ऑफ लाइट enters from rare into denser medium. अब हमने definition of refraction of light में देखा था, the deviation of path when light ray travel one medium to another medium, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो लाइट का अपने मार्ग से या अपने पाथ से डेविएशन जो होता है वो टू डिफरेंट टाइप से होता है, जो उसके मीडियम पर डिपेंड करता है। फर्स्ट मीडियम देखें तो मीडियम टू टाइप्स के होते हैं, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है उसे हम सघन माध्यम, और जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व कम होता है उसे हम विरल माध्यम। जिस भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ग्रेटर होती है, ज़्यादा होती है, उसे हम डेंसर मीडियम कहते हैं, और जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है उस मीडियम को हम रेयर मीडियम कहते हैं। तो व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम इनटू डेंसर मीडियम, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में एंटर करती है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, तब उस कंडीशन में वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। इस फर्स्ट वाले डायग्राम में देखें तो फर्स्ट डायग्राम में फर्स्ट मीडियम जो है हमारा वो एयर वायु है, और सेकेंड मीडियम क्या है, ग्लास या कांच है। तो एयर के कंपैरिजन में जो ग्लास है, ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है ग्लास मीडियम की। सो फर्स्ट मीडियम इज़ रेयर मीडियम एंड सेकेंड मीडियम इज़ डेंसर मीडियम। तो व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रवेश करती है तब उस कंडीशन में वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। आई वन इज द इंसिडेंट एंगल एंड आर टू इज द रिफ्रैक्टिव एंगल। एंड बट व्हेन लाइट रे एंटर्स फ्रॉम डेंसर इनटू रेयर मीडियम, लेकिन जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सेकेंड वाले डायग्राम में जो हमारा फर्स्ट मीडियम है वो ग्लास है और सेकेंड मीडियम क्या है, एयर। ग्लास क्या है, एयर के कंपैरिजन में डेंसर मीडियम है।
तो हमारी प्रकाश की किरण रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में एंटर करती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यह नॉर्मल से दूर जाती है। तो हम अगर इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे इंसिडेंट रे है, यह हुआ हमारा नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे इस नॉर्मल से क्या जा रही है, दूर जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। दिस इज द रिफ्रैक्टर रे। तो हमने क्या देखा कि इफ रे ऑफ लाइट एंटर्स रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टू द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो वह नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। और सेकेंड कंडीशन देखा, इफ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह नॉर्मल या अभिलंब से दूर चली जाती है। फ्रॉम अ लेस डेंसर टू डेंसर मीडियम, विरल माध्यम से सघन माध्यम से, फॉर एग्जाम्पल एयर टू ग्लास। इस डायग्राम में हमने रिफ्रैक्शन बताया है जिसमें हमने ये देखा है कि फर्स्ट मीडियम जो है वो हमारा रेयर मीडियम है। फर्स्ट मीडियम क्या है हमारा, रेयर मीडियम है। और सेकंड मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम। तो फर्स्ट हमने एयर लिया हुआ है और सेकंड क्या लिया हुआ है, ग्लास। दिस इज द इंसिडेंट रे, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारा नॉर्मल है। तो हमने ये देखा कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तब ये क्या होता है, जो हमारी रिफ्रैक्टिव रे होती है वो क्या होती है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। सेकेंड, फ्रॉम अ डेंसर टू अ लेस डेंसर मीडियम। अब इस डायग्राम में जो सेकेंड कंडीशन को शो किया हुआ है जिसमें हमारा फर्स्ट मीडियम हमने वाटर और सेकेंड मीडियम क्या लिया हुआ है, एयर। तो एयर के कंपेरिजन में जो वाटर होता है वो वाटर क्या होता है, डेंसर होता है, डेंस होता है, ज़्यादा डेंसर होता है। तो फर्स्ट जब रे ऑफ लाइट क्या होती है हमारी, वाटर से एयर में एंटर होगी, मीन्स यहाँ पर डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में एंटर होती है, तब उस कंडीशन में जो हमारी रे ऑफ लाइट होती है वो रे ऑफ लाइट क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाती है। लाइट इज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जो लाइट होती है वो नॉर्मल से दूर चली जाती है, दूर जाती है। यूजफुल वर्ड्स टू डिस्क्राइब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ यूजफुल वर्ड्स होते हैं जिसमें फर्स्ट वर्ड होता है हमारा मीडियम। तो हमने यहाँ पर टू मीडियम लिए हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड मीडियम, और ये टू मीडियम के बिटवीन सरफेस होती है। एंड दिस इज द इंसिडेंट रे, इट इज़ द नॉर्मल, एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। यह हमारी आपतित किरण होती है, ये हमारी अपवर्तित किरण, और ये अभिलंब होता है। एंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो बनने वाला कोण होता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण कहते हैं। एंड द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो बनने वाला कोण होता है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। सेकेंड टॉपिक इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास। यहाँ पर हम एक ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इट गेट्स बेंट ट्वाइस एट द एयर ग्लास इंटरफेस एंड एट अ ग्लास एयर इंटरफेस। द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे एंड इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस। यहाँ पर टू मीडियम होते हैं, फर्स्ट मीडियम हमारा एयर हुआ है, सेकेंड हुआ ग्लास, और थर्ड मीडियम फिर से क्या हुआ, एयर। तो फर्स्ट जब भी हम रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन को शो करते हैं तब हम यहाँ पर देखेंगे कि
टू रिफ्रैक्शन की प्रोसेस टू टाइम्स होती है। सबसे फर्स्ट होती है हमारी फर्स्ट वाली सरफेस, जिसमें हमारा फर्स्ट मीडियम होता है एयर और सेकंड मीडियम होता है ग्लास। यहाँ पर फर्स्ट मीडियम हमारा एयर हुआ और सेकंड क्या हो गया, ग्लास। तो फर्स्ट इंटरफेस के लिए जो हमारी इंसिडेंट रे होती है, ये हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारा नॉर्मल और सेकंड इज रिफ्रैक्टेड रे। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन थ्रू अ फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम इज एयर एंड सेकंड इज ग्लास। व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास देन इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, बिकॉज वी नो दैट when a ray of light enters from rare medium to denser medium it bends towards the normal। यहाँ पर सबसे first हमारी ये incident ray है, जो incident हुई है इस point पर, यहाँ ये हमारा normal है और ये towards the normal क्या हो गई, bend हो गई और second वाली interface पर आ गई। अब second time जो हमारा refraction होता है, तो second refraction में हमारा first medium होता है glass और second medium होता है air, और सेकेंड इंटरफेस के लिए ये हमारा नॉर्मल हो गया और ये जो रिफ्रैक्टेड रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे हमारी इंसिडेंट रे की तरह बिहेव करती है। तो फर्स्ट आई हमारा इंसिडेंट एंगल और आर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड एंगल एज इट इज़। सेकेंड जो हमारी सेकेंड पार्ट के लिए रिफ्रैक्शन है, तो उसके लिए हमारा इंसिडेंट एंगल आर हो जाएगा। और लास्ट ray of light when enters from glass to air it bends away from the normal, तब इस condition में जो refracted ray होगी वो normal से दूर जाती है। then this is the emergent angle, इसे ही हम emergent angle कहते हैं। और we know that incident angle and इमर्जेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल। आपतित किरण और आपतन कोण और निर्गत कोण का मान हमेशा इक्वल होता है। इस डायग्राम में पी क्यू एक प्रकाश किरण है, यहाँ पर P और Q, PQ एक प्रकाश किरण है जो वायु से चलकर कांच में प्रवेश करती है, तथा QR मार्ग का अनुसरण कर रही है और अंत में वायु में RS दिशा में निर्गत हो जाती है। PQ आपतित किरण है, QR अपवर्तित किरण तथा RS निर्गत किरण है। MN आपतन बिंदु Q पर अभिलंब है। कोण PQM, कोण PQM आपतन कोण है, इंसिडेंट एंगल है, इसे हम I से डिनोट करते हैं, तथा कोण NQR, कोण NQR इज़ अ रिफ्रैक्टेड एंगल अपवर्तन कोण है, जिसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। कोण NR एंड सेकेंड फेस के लिए जो NR और NR ये दो हमारे लिए नॉर्मल है। देन एंगल NRS इज अ इमर्जेंट एंगल एंड MM तल के बिंदु आर पर अभिलंब है। तब हमें यह याद रखना है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ पर आपतित होती है, तो उसका कुछ भाग परावर्तन के नियमों का पालन करता है तथा कुछ भाग वो पहले से ही माध्यम में ही परावर्तित हो जाता है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन के दो नियम हैं।
First law is incident ray, refracted ray and normal lies on a same plane. Incident ray, refracted ray और normal ये तीनों ही same plane में होना चाहिए. The ratio of sine of angle of incidence, जो हमारा incident angle है, incident angle की ज्या या आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण के ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है. द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन इज अ कॉन्स्टेंट इन एनी टू ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज टर्म्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इस रेशियो को ही जो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है. इस कॉन्स्टेंट वैल्यू को ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक कहते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू एन इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू. स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ स्टेट दैट अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ फर्स्ट मीडियम टू अ सेकेंड मीडियम. द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कॉन्स्टेंट कॉल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. स्नेल्स लॉ के अनुसार जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है. एक अनुपात के बराबर एक नियतांक वैल्यू होती है. इस नियतांक को ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक कहते हैं. इसे ही स्नेल्स लॉ कहते हैं. अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. स्नेल्स लॉ की हेल्प से हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बिटवीन रिलेशन को फाइंड करते हैं. दिस रेशियो इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन. इसे ही हम रिफ्रैक्शन का इंडेक्स या नियतांक कहते हैं. द फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एन वन साइन थीटा वन एंड एन टू साइन थीटा. इन दिस डायग्राम फर्स्ट मीडियम इज एयर एंड सेकेंड मीडियम इज वाटर एंड दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे. थीटा वन इज द इंसिडेंट एंगल एंड थीटा टू इज द रिफ्रैक्टिव एंगल. Then n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2. Here n1 is equal to index of refraction for medium first and n2 is index of refraction of medium second. And theta 1 is the angle of incidence and theta 2 is equal to angle of refraction. Why is light refracted? अब हमने ये तो देख लिया कि जो लाइट रे होती है, लाइट रे क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है, अपवर्तन होता है उसका. बट उसके पीछे का रीज़न क्या होता है? तो द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल. जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, प्रकाश की चाल होती है, वो माध्यम पर निर्भर करती है थ्रू विच द लाइट इज ट्रेवलिंग. लाइट जिस माध्यम में ट्रेवल करती है उस माध्यम पर डिपेंड करती है. When light enters the different material, for example, from air into glass, the speed of light changes. यदि प्रकाश की चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम, जैसे कि पहले एयर वायु से वो ग्लास में एंटर करती है प्रकाश, तो दोनों ही माध्यमों में उसकी स्पीड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, चाल में परिवर्तन हो जाता है. This causes the light to bend or refract. यही कारण है कि जो प्रकाश की किरण है वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या रिफ्रैक्ट हो जाती है. द स्पीड ऑफ लाइट इज अफेक्टेड बाय द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल थ्रू विच इट इज ट्रैवलिंग. स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो डेंसिटी पर, मटेरियल के डेंसिटी पर भी डिपेंड करती है जिसमें कि वो ट्रैवल कर रही है. व्हेन लाइट एंटर्स अ मोर डेंस मीडियम, यदि प्रकाश की किरण ज़्यादा डेंसर मीडियम में फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, जैसे पहले वो एयर या वायु में ट्रैवल कर रही थी, उसके ब्लास वो अगर ग्लास में एंटर करती है, इट्स स्पीड डिक्रीजेस. इसकी स्पीड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है. एंड दिस इज बाय रिफ्रैक्शन ऑकर. इसी कारण से प्रकाश का अपवर्तन होता है. बिकॉज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव इज डिटरमाइंड बाय द सोर्स,
If the wave speed slow down, its wavelength must decreases. फ्रीक्वेंसी, जो प्रकाश की फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी भी एक बड़ा रीज़न होता है रिफ्रैक्शन के लिए. फास्ट मीडियम, यदि मीडियम हमारा क्या होगा, फास्ट मीडियम होगा मतलब लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. और सेकंड, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, हाई होगी.